अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तुरई ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर छील लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पीसों में इसे काट लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए सफ़ेद तिल 1/3 कप, एक मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए हमें चॉप की हुई, 2 छोटी साइज़ के टमाटर लेंगे हम बारीक कटे हुए, और थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए हमें बारीक कटा हुआ, रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे हम हसबे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून, थोड़ी सी हरी मिर्च चाहिए हमें बारीक कटी हुई। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। तिल जब अच्छी तरह से भून जाएगी तो हम इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो तिल को मैंने पीसकर उसका पेस्ट बना लिया है। तो इसके बाद हम एक बर्तन में कुकिंग ऑयल गरम करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट जब अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा भून लेंगे। ये सभी चीज़ें अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें ये नमक ऐड कर रही हूँ और ये हल्दी पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे और ये रेड चिली पाउडर। इन पाउडर मसालों को हम कुछ सेकेंड्स के लिए भूनेंगे। और फिर हम इसमें ये कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इन टमाटरों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी लीड बंद करके इसे लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए कुक होने देंगे ताकि ये जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए अब ये जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हमने जो तिल का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये सारी तुरई हम इसमें डाल देंगे। तुरी ऐड करने के बाद इन सभी चीज़ों को फिर से हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी हम लीड बंद करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए पहले लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, तुरी में काफ़ी पानी होता है तो हम इसे इसी के पानी में कुक करेंगे। तो इसीलिए हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि तुरी जो है वो अपना सारा पानी छोड़ दे। तुरी जब पानी छोड़ देगी तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि ये जो तुरी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तुरी जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें ये हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद ये जो तुरी की सब्ज़ी है वो रेडी है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।